अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सुना है बड़ी बहन बहुत आपको स्पॉइल भी करती हैं, खाने के लिए चीज़ें भी लेकर आ रही हैं, गिफ्ट्स भी, मतलब कोई वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है? वो शुरू से ऐसी थी? वो तो शुरू से ऐसी ही थी, अच्छा शुरू से ही उसने मुझे बहुत स्पॉइल किया हुआ है, छोटी सेकंड मदर हाँ रही है वो। मतलब जैसे अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती है तो वो मेरे हाँ लिए ज़रूर कुछ लेके आती है। सो स्वीट लाइक ऑफ वो लोग हर। रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आते हैं। तो अम्मा अगर बात नहीं मान रही है तो फिर बहन से सिफारिश हाँ, कराती बहुत हैं? दफ़ा ऐसा होता है, मेरी अच्छा बहन मुझे, मेरी मामा मुझे कहीं दोस्तों के यहाँ जाने नहीं देती, सबसे पहले मैं लबीब के पास जाती हूँ, मम्मा को बोलो ना, मामा मान जाती है लबीब के बाद। हाँ, वो बड़ी है ना हाँ बड़ी भी तो, है। और थोड़ा सा वो सिफारिश भी चल जाती है। हाँ, और अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं लबीब को पहले कहती हूँ, तो लबीब भी अपनी दो तीन फ्रेंड्स को गैदर कर लेती है, फिर मैं भी गैदर कर लेती हूँ, फिर हम सब बाहर चले जाते हैं, तो मामा को भी फिक्र नहीं होती क्योंकि लबीब इतनी मुझसे बड़ी है, आप भी मुझसे इतनी बड़ी हो तो तो ना। लबीब की फ्रेंड्स में से क्या क्या रही है? उनमें से किसी ने कुछ करके बोला, छोटी तुम हाँ तो है ना, मैं ना, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, क्या बन गई हो, तुम तो सेलिब्रिटी हो गई हो? हाँ बहुत सारी, जैसे लबीब की एक दोस्त है उनका नाम भी एना ही है, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की, अच्छा और बाकी उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, और वो कहते हैं आज इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, और लबीब मुझे सारे मैसेजेस दिखाती है। अच्छा आपको बुक्स पढ़ने का शौक है मैंने सुना है, बहुत कौन सी? हैरी पॉटर? नहीं, नॉट हैरी यू आर नॉट पॉटर, हैरी पॉटर फैन? आई मीन इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैं क्या करूं, किताबें बड़ी बड़ी होती है ना। ज़्यादा पढ़ी अच्छा नहीं कौन जाती सी है। किताबें पढ़ती हैं बताएं? कॉलिन हूवर इज़ माई फेवरेट ओके ऑथर, ओके और सिडनी सेल्डम को भी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कॉलिन हूवर इज़ ऑलवेज माई टॉप ओके चॉइस। दैट्स दैट्स गुड। और टीवी पे क्या देख रही हैं आजकल? अदर हम तुम देन अपना हम ड्रामा तो, अदर देन हम तुम, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स थिंग्स तो मैंने ख़त्म कर नहीं? लिया। वैसे अभी टाइम नहीं होता क्योंकि है ना। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो घर आती हूँ, हम तुम देखती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ, ओके यही रूटीन है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश ईजी है ना, ईजी इसलिए तो है। मेरे लिए ईजी ईजी चलता रहता है। इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है, मैथ भी मुझे पसंद है थोड़ा बहुत, और जियोग्राफी और हिस्ट्री, आई रियली एन्जॉय हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ ओके मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का शुरू से शौक था आपको, शुरू या से मतलब बचपन में कुछ करती थी, अभी भी छोटी हो बट जब इससे भी छोटी होती थी, ये कैसे आई आप इस साइड पे? मुझे पता है पहले आपने मॉडलिंग की हुई है ना, पहले आप एड्स में आ रही थी, कुछ फोटो शूट्स थे, फिर उसके हाँ बाद आप एक्टिंग की तरफ आई, और पिंजरा आपने पहले शूट किया था यस, पिंजरा मैंने सबसे जो पहले अभी शूट ऑन किया एयर था नहीं गया है, हदीका कयानी और उमैर राना के साथ, यस। और लेकिन हम तुम उससे पहले ऑन एयर चला हाँ गया लेकिन शूट बाद में हुआ था, या तो टेल मी कैसे आई आप इस साइड पे? सबसे पहले मैंने कमर्शियल्स से स्टार्ट ऑफ किया अपने करियर, उसके बाद मैं फोटोशूट्स पे आई, लेकिन और कमर्शियल फिर का आइडिया कहाँ से आया, कमर्शियल का आइडिया किसी ने तो अप्रोच किया या आप खुद भी? मामा हर को शौक था? हाँ, अच्छा मामा को भी शौक था, मेरे भाई को ज़्यादा शौक था, हाँ मेरे भाई को बहुत ज़्यादा शौक था, तो मामा ने मुझसे मुझसे एक दिन पूछा तुम्हें तुम्हें एड्स में आना है, मैंने कहा आ जाते, और फिर मामा ने कहा चलो सही है, और हाँ फिर मैंने सबसे पहले डेटॉल की ऐड की, और फिर मैंने अलकरम किया जो मुझे बहुत मज़ा आया था, दैट वाज माय वो तो फर्स्ट फैशन शूट। शूट था तो वो तो मजा आना ही था। हाँ हाँ फर्स्ट शूट था और हाँ अलकरम का शूट था, मतलब हाँ वो सच अ ड्रीम। हाँ और उसके बाद से ही फिर ड्रामों में लोगों ने मेरे कमर्शियल्स देखे तो उन्होंने कहा कि अप्रोच ड्रामों में करना शुरू आना कर है। दिया था हाँ आपको? अप्रोच करना ओके शुरू कर दिया मुझे, फिर मैंने पिंजरा किया, बदनसीब किया, अच्छा बदनसीब भी किया हुआ जी आपने, बदनसीब भी ओके दैट किया आई मिस्ड। ओके तो एक्टिंग का, बट ठीक है वो आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग का सोचा, बट ये एक्टिंग का किधर से हुआ कि नहीं मुझे करना चाहिए, जहन में क्या आया? अगर आपको शौक भी नहीं था तो किस चीज़ ने पुश किया कि चलो मैं एक्टिंग भी करके देखती हूँ, वो भी अम्मा ने बोला या? नहीं, हाँ वो तो जब मैंने पहला अपना ड्रामा किया था सबसे, पहली सी मोहब्बत, उसमें मेरा 2 दिन का काम था, मायाली का बचपन में प्ले करी थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं ड्रामा के सेट पे थी, और मुझे इतना मज़ा तो आया। ये एड से पहले की बात है, नहीं एड्स के मॉडलिंग बाद आपने की बात है। स्टार्ट कर दी थी हाँ ना? ठीक है। इट्स इन 2021, हाँ आई थिंक इसी टाइम, आई थिंक लास्ट ईयर इसी टाइम पे ही पहली सी मोहब्बत शूट हुआ था, ठीक है। तो मुझे इतना मज़ा आया, और सबने मुझे सबने बहुत तारीफ की क्योंकि मेरा पहला पहली दफ़ा मेरे ड्रामे में वो था सीन था, और इतना शब्बीर जहाँ के साथ था, तो वो ओके इतने बड़े एक्टर हैं, तो मुझे इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, बट बहुत लोगों को अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर बदनसीब मैंने किया, बदनसीब में मेरा नेगेटिव करेक्टर था, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि नेगेटिव करेक्टर प्लेड बाय अ 13-year-old, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर ओके मैंने पिंजरा किया, अभी वो नहीं, लेकिन आएगा। पहली सी मोहब्बत आया कैसे आपके पास? वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने क्या क्यों सोचा या कैसे सोचा कि अच्छा मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ जाती हूँ, क्या मेरे बहुत भाई छोटी ने हैं किया अभी? था अच्छा पहली सी मोहब्बत, मेरा भाई भी था उसमें, शहरयार ओके मुनव्वर का छोटा भाई बना था मेरा भाई, ओके ओके और उसको जब वो बताता था ना वो आपके सेट भाई पे, हैं? शहरयार मुनव्वर का छोटा भाई जो बना हाँ है हाँ वो वो आपके मेरा भाई भाई हैं? है जी, ओह वो अहमद अच्छा, है। आई डिडंट नो दैट। ओके
इंटरेस्टिंग वो मेरा भाई है. ओके आई थिंक अब आपको पता है मेरा भाई कौन है तो फेसेस सिमिलर लग रहे होंगे. अब थोड़ी चीजें जो हैं वो पर्सपेक्टिव में भी आईज बिल्कुल सेम रहा सब. तो उसने जब वो आया सेट से वो आता था वो बताता था कि ड्रामे के सेट पे क्या होता है और हम लोग ने आज ये सीन किया और इस एंगल से किया. तो मैं जब सुनती थी मैं इतनी मतलब सरप्राइज्ड होती थी और इतना शॉक्ड होती थी. मुझे होता था कि कमर्शियल के सेट पे तो ऐसा नहीं होता. तो मुझे भी एक्टिंग करनी है. मैंने मामा को भी कहा कि मुझे भी ड्रामों में आना है. अहमद भी तो आ रहा है. तो फिर मामा ने पूछा कि अगर कोई रोल है जो ऐना कर सकती है उसको ट्राई आउट करना है अगर उसको पसंद आया या नहीं. तो फिर उन्होंने कहा हाँ है माया अली का बचपन है ऐना करेगी. मैंने कहा जी ऑफ कोर्स करूंगी माया अली का बचपन पहला रोल. बिल्कुल. तो फिर मैंने वो किया था. इट वाज वेरी फन. बहुत मजा आया था. तो अब्बा का अम्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं था. बहुत ओके. अब्बू भी ओके थे. अब्बू भी ही इज वेरी सपोर्टिव. सो कैमरा पहली बार जब फेस किया तो क्या फील हो रहा था? कैसा लग रहा था? डर लग रहा था? मेरा सीन था सबसे पहला कि मुझे हाथ मेरा जलता है एंड आई एम लाइक शाउटिंग. वो ये बड़ा स्ट्रेसफुल वाला सीन. हाँ. आसान सीन तो नहीं है ये. मामा ने मुझे जब सीन सुनाया मैंने कहा मैं कैसे करूंगी. हाँ. तो उन्होंने बताया कि एक चूल्हा वूल्हा होगा इट्स ऑल गोना बी वेरी इजी ना. तो मैंने कहा चले सही. मैं अपने दिमाग में सोची थी बस मेरे दिमाग में चल रहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर लेंगे कुछ नहीं होता. फॉरगेट अबाउट द कैमरास जस्ट एक्ट लाइक यू एक्चुअली बर्न्ड योर हैंड. बस मैं आई वाज रिपीटिंग दैट इन माय हेड और फिर हो गया अच्छा. और फिर आई गॉट अ राउंड ऑफ अप्लॉज. दैट्स नाइस. क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना सेट पे. हाँ. इतने लोगों के सामने इस तरह एक डिफरेंट इंसान बन के प्रिटेंड करना मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होता है. बट दैट्स द ब्यूटी अबाउट एक्टिंग. अच्छा. कि आप जैसे आई एम ऐना लेकिन मैं रूबी भी हूँ. मैं मलीहा भी हूँ. और मैं अबीर भी हूँ. मैं करेक्टर्स नेम इन पिंजरा. मैं और मैं ऐना भी हूँ. हाँ. मैं ऐना रह के काफ़ी करेक्टर्स और काफ़ी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर सकती हूँ. काफ़ी पर्सनैलिटीज पोर्ट्रे कर सकती हूँ. दैट्स द ब्यूटी अबाउट एक्टिंग. दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट एक्टिंग. यू कैन बी योर ओन पर्सन बट आप और भी लोगों को पोर्ट्रे कर सकते हो. आपकी पर्सनैलिटीज यू चेंज हो सकती हैं. मे बी यू लाइक दैट पर्सनैलिटी. मे बी यू डोंट लाइक प्लेइंग दैट पर्सनैलिटी. दोनों हो सकता है. तो मतलब अब करियर फाइनल हो गया है कि एक्टिंग ही होगी. हाँ. है ना. मुझे करनी है एक्टिंग ही. करनी है कुछ और नहीं जाना इधर उधर. करनी है अगर एक्टिंग तो पढ़ाई में जाके माइंड थोड़ा चेंज हो गया तो साइकोलॉजी पढ़ाई करेंगी. एक्टिंग की फील्ड में ही आपका क्या प्लान है? पढ़ाई तो करेंगे. मतलब आगे जाके फर्दर स्टडीज इन एक्टिंग की फील्ड विल यू डू दैट? लाइक लोग जाते हैं एक्टिंग के कोर्सेज करने या यू नो वो. यू वांट टू. वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स इज गोइंग टू न्यूयॉर्क टू स्टडी एक्टिंग. वो मुझे उसका बहुत शौक है न्यूयॉर्क में. मुझे उसके लिए फिर ब्रेक लेना पड़ेगा एक्टिंग से. पता है ना ये भी बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो नहीं बहुत से लोग कर पाते हैं. वो सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं लेकिन वो रोल्स ऑफर्स ऐसी आ रही होती हैं कि वो नहीं वो लोग नहीं कर सकते. लेकिन इट्स अ ड्रीम. आई कैन ड्रीम ऑफ कोर्स एंड मे बी दैट विल हैपन एंड इट विल बी गुड फॉर यू माशाल्लाह. Another dream is to be on Netflix. वो भी बहुत बड़ा इंशाल्लाह opportunity है. मुझे मीडिया साइंस लेना है. आई वॉन्ट टू स्टडी मीडिया साइंस क्योंकि आई एन्जॉय बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. लेकिन मुझे एक ना एक दफ़ा बिहाइंड द कैमरा भी आना है लाइक एज अ डायरेक्टर और लॉन्ग टर्म. हाँ. नाइस. आई एम इम्प्रेस्ड. अच्छा तो एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले जहन में कोई और करियर था? आप कुछ और बनना चाहती थी? साइकाइट्रिस्ट. ओके. आई रियली एंजॉय स्टडीइंग पीपल और साइकोलॉजी के बारे में लर्न करना क्योंकि साइकोलॉजी इज सो मच डीपर. इतना मज़ा आता है वंस यू रीड लाइक बिल्कुल अ बुक. फिर आपको और इंटरेस्ट होता है कि इस डिसऑर्डर के बारे में मैं और पढ़ूँ.